मिसेज अमृतसर टाइटल और 10 लाख रुपए की असली हकदार है माही जोगी अरोड़ा, यानी कि टीम एमजे। चिंता मत करो बीबी, अभी तो हमने अपना हुकुम कैका खोला ही नहीं है। माही जीत के भी हारने वाली है। ये शोशा, मुबारकबाद, ये सब हो गया, अब खत्म करो ये सब। पूरा दिन निकल गया इन बचकानी हरकतों में। हार जाओ तो चीजें बचकानी लगती, और अगर जीत जाओ तो सियानी। तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब कि मैं तो सिर्फ आज के दिन स्टार बनी, पर मेरे परिवार के लिए तो आप हमेशा से स्टार थे। तो मैं चाहती हूं कि ये इनाम मैं आपके हाथों से दूं। सोचो चीजू, अगर ऑनलाइन लोगों को खुश नहीं रखोगे तो ऑफलाइन लोग आपको वोट कैसे देंगे? भाई बात तो ठीक कर रही है बच्ची, पब्लिक की माए बाप होती है और उन्हें कैसे मना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे इस कंपटीशन में जीतने की बड़ी खुशी है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि मुझे ये इनाम मेरे आदरणीय जीजू दे रहे। चिंता मत करो बीबी, आप जाओ और जाके इसको इसका इनाम दो, और मैं जाके इसके पति को मौत देने की तैयारी पूरी करती हूँ। ओके तो आ रहे हैं हमारे 10 करोड़ के पप्पू जीजू लेके 10 लाख का इनाम। साले साहब, मैं क्या जी, साथ ही साथ कह दो कि तबेले के पेपर भी लेके आने हैं। ओ बेबे, क्या कहते हैं वो, हाथ को आया मुंह को नहीं लगा। कॉकरोच भी मरने से पहले बहुत फड़फड़ाता है बेटा, उड़ता है। तू भी उड़ ले, क्योंकि तेरा भी मरने का टाइम आ गया है। शालू की हार की वजह से मैं भले ही 10 लाख हार गई हूँ, पर मेरी बेटी माही की जीत के लिए मुझे खुशी है।
आज मिसेज अंबर सर बनी, लेकिन मेरे लिए मिस्टर अंबर सर हमेशा से मेरे जीजू रहे। एक्चुअली मिस्टर अंबर सर नहीं, मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, आउट ऑफ वर्ल्ड है जी ये। क्योंकि जो काम ये करते हैं वो इस दुनिया का नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। ये 10 लाख रुपए आप दोनों के लिए। तो ये सब करके साबित क्या करना चाहती है माही? कि तो बहुत अच्छी है, बहुत सियानी है, सबको जोड़ के रखना चाहती है। तू चाहती है कि मैं ये इनाम इस सीमा के साथ साझा करूं जिसने मुझे और मेरी बीची को जेल तक पहुंचाया, मेरे पुत्र को पिटवाया। बेबे बस, इसकी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। ये तेरी मां है और मैं चौकी की। और तेरी सास और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैं तेरी सास हूं। और सीमा को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो तेरी मां है। अरे ऐसी बेटियां होती हैं जो सारे गिले शिकवे दूर करने पे ना मजबूर कर देती हैं। ये सच है कि सीमा से बहुत शिकायतें थी मुझे, पर इसने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। तो जैसी बहू देखकर ना सीमा को तुझसे अच्छी बेटी मिल सकती है, ना जोगी को तुझसे अच्छी बीवी, और ना मुझे तुझसे अच्छी बहू। इस 10 लाख के सामने मुझे जो मिला है ना माई, तेरे रूप में वो तो अनमोल है, मेरे जोगी पुत्र के सच्ची जीवन साथी। तू सच में मिसाल है माही, मुझे तेरी नीयत पे बहुत शक था पहले, पर मुझे इस इनाम का हकदार बना के तू मेरे प्यार की हकदार भी होगी, हमारे परिवार की हकदार होगी, हमारे घर की हकदार होगी। मुझे तो अरबों खरबों की दौलत मिल गई तेरे रूप में, तो इन लाखों का क्या करूंगी मैं? देख, तेरी मम्मी को इसकी ज्यादा जरूरत है, तो ये पैसे उन्हें दे दे पुत्र। मैं चाहती हूं कि ये पैसे आप मम्मी को दो और पुरानी बातों पे मिट्टी पा दो। और सीमा तू अपनी आंखों के आगे पर्दा ना हटा दे, देख असलियत अपनी बेटी की।
बहुत नसीब वाली है तू, जो ऐसी बेटी तेरे घर पैदा हुई है। पता ऐसी बेटियां होती है ना, तो मायके के साथ साथ ससुराल भी सुधर जाता है। अब ना सारे गुस्से के लिए छड़, अब हम सब एक ही परिवार है। दिनों से ना मैं तुझे कुछ कहना चाहती थी, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पल को कैसे खास बनाऊं। तूने ये गाना गा के ना मेरी मुश्किल हल कर दी। हाँ तो बोल, क्या कहना था? जो एक बीवी अपने पति से कहती है, बाहर तो आतिशबाजियां शुरू हो गई समधन जी। बात तो पूरी कर, क्या बोल रही थी तुम? आई लव, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था जब तेरे मुंह से ये शब्द सुनूंगा अपने लिए।
अब बोलना, सुन रहा हूं ना मैं। बोल चल क्या रहा है? मैं तो कब रही ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूं। जोगी, जोगी पुत्र, रुक जा, रुक जा। पेपे आते रुक गया ना, तो जिंदगी भर किसके लिए दौड़ूंगा। जोगी, आपने तो पहली मेरी जगह उस दूधिये को दे दी है, अब आपको साथ में भी जाना है। आप मेरे बड़े जवाई हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल वैसे ही छोटे जवाई की जगह भी कोई नहीं ले सकता, पर आज मैं छोटे जवाई के लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए जा रही हूँ। और अगर आज मैं नहीं गई ना पप्पू जी, और मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, तो वो माता रानी मेरे को कभी माफ नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए मेरे से अपना मुंह फेर लेगी। आज मेरे को जाने दो, आज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ कि आज आपकी बात नहीं मान सकती मैं। आज मेरे को जाना पड़ेगा। माही, पप्पू जी, मैंने बोला बोलने को। Then shut up! बेकार औरत, मेरे घर में बेकार लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है, और अगर मुंह खोला तो जबान काट लूंगा तेरे। Bloody loser! कह रहे पप्पू जी, मैं बहुत बड़ी लूजर हूं। लानत है जानू तुझ पे, लानत है। मैं हार गई, पति का पर्स इस कॉम्पिटिशन से हार गई। आकाश जल्दी जा, बोलो डॉक्टर साहब, नर्स कोई है? नर्स, क्या शोर मचा रखा है, क्या हुआ? नर्स, ये मेरी बीवी है जी, खून निकल रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज एडमिट कर लो जी। सॉरी, हम किसी पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल को फुल कोविड सेंटर बना दिया गया है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, हम कहां जाएंगे? आप एडमिट करो जी, ऐसे नहीं होता। देखिए, यहाँ सिर्फ कोविड पेशेंट एडमिट है, तो ये आपके रिश्तेदार के लिए ही खतरनाक है। मैं आखिर बुलाओ जी डॉक्टर साहब को, प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर को मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर क्यों है? डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी है जी भाई, बहुत खून निकल रहा है, प्लीज एडमिट कर लो जी इसको। सॉरी, गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये हॉस्पिटल अब फुल्ली कोविड सेंटर बन गया है, हम किसी भी और जनरल पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। डॉक्टर
साहब मैं भीख मांगता हूँ जी आपसे, मेरी पत्नी को बचा लो जी। एक तरीका है, क्या किस्मत पाई है, गोली लगनी किसे थी लग किसे गई, एक काम ढंग से नहीं हो रहा। जोगी मरे माही मरे उससे हमें क्या। पीपी जोगी माही ना एक दूसरे की ताकत थे, तो एक विकेट डाउन हो गया उनकी ताकत भी आधी हो गई। अब देखो भगवान को तो हमने जोगी पेश किया था, पर उन्हें माही ज्यादा पसंद आ गई तो उन्होंने माही को ऊपर उठा लिया, तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है चंदा, तुझे याद नहीं उस माही ने अपने भाषण में क्या बोला था। आज तक आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करते आए हो, लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करूंगी। आज कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नया कॉम्पिटिशन चालू हो गया। अब बस देखना ये है कि कौन जीतता है, एक चीजा या एक साली। और अगर उसे कुछ हुआ तो इन चोपड़ों और तबेले वालों को एक मिनट नहीं लगेगा ये गैस करने में कि उस गोली चलवाने के पीछे भी मेरा ही हाथ था। Not really, पीपी। अब गुनेगार वही होता है, एक्चुअली है, जिसके हाथ में गन थी, जिसने गोली चलाई। गुनेगार वही है जिसके खिलाफ सबूत है। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो उसके बदौलत गुनेगार तो ये दो बहने ही होती हैं। वेट, आई विल शो यू समथिंग। रात अरदास करो उस रब के आगे, अगर मेरी माही को कुछ हो गया, रब दी सौ माही दी सौ, ना देखूंगा ना ताओ, सिद्धा चीर के रख दूंगा। और माही होगी जो अपनी मां की सौ गलतियां माफ करते, अपनी बहनों को माफ करते, ये जानते हुए कि उनकी करतूतें कैसी हैं। पर ये जोगिया माही की तरह नहीं है, कोई आशिक नहीं हूं मैं, इबादत की है मैंने माही की, उसकी एक एक चीख मेरे कानों में गूंजती रहेंगी, ना पुलाऊं ना पुल्ले दूंगा खुद को। जिस कड़ी पता चल गया ना तुम में से कौन है, वो याद रखना, ना दुनिया ना जमाना ना कानून देखूंगा, ना सुनूंगा ना बोलूंगा, सिद्धा काट के रख दूंगा। मौत बन जाऊंगा उसकी जिसकी वजह से मेरी माही का ये हाल हुआ है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमने गोली निकाल दी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी माही की जान बचा ली, हमारी जान बचा ली जी, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा सहन किया हम पे, आप जी हमारे लिए रब वो रब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। और सिस्टर मुझे माफ कर दो जी, गलती होगी मुझसे, मैं गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोल गया आपको, पर प्लीज वो एक बेसहारा पति समझ के माफ कर देना जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बेबे माही ठीक होगी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर साहब माही को होश कब आएगा जी। आपने मुझे पूरी बात करने ही नहीं दी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, गोली भी हमने निकाल दी है, पर जख्म बहुत गहरा है, खून बहुत बह गया है। क्या होगा पता नहीं। क्या होगा पता नहीं मतलब, आपने अभी तो कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो क्या होगा नहीं मतलब, मैं समझा नहीं जी आपकी बात। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 24 घंटे में अगर माही को होश नहीं आया
तो मतलब उसकी जान को खतरा है। कमाल करते हो जी आप, आपने अभी बोला था कि वो ठीक होगी। बेबे क्या बोल रहे हो आप? जोगी। ओ पापा। हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। ओ नंदन डॉक्टर साहब वो आप ऐसे नहीं जा सकते जी। आप देखो तो सही माई की क्या हालत है जी, आप उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते डॉक्टर साहब, प्लीज आपको रुकना पड़ेगा जी। जब तक मेरी पत्नी उठ नहीं जाती ना जी, आप कहीं नहीं जाओगे प्लीज। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। मेरी बीवी ने मेरे लिए वट सावित्री का व्रत रखा है, मैं मना नहीं कर सकता, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, नर्स आपके साथ ही रहेगी। सावित्री व्रत क्या होता है? पुत्र ये व्रत ना बीवियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। माँ सावित्री का व्रत होता है। कहते हैं कि सावित्री माँ ने ना अपने पति सत्यवान की जान यमराज से छीन के वापस ले आई थी। उनके पत्नी धर्म में इतना तेज था ना कि यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। ये सारे व्रत पत्नियों को ही क्यों रखने पड़ते? सारे धर्म पत्नियों को ही क्यों निभाने पड़ते? सारी परीक्षाएं सिर्फ पत्नियों के लिए क्यों है? पति धर्म के कोई मायने नहीं होते? पतियों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती? पति अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रख सकते? मैं रखूंगा। मैं रखूंगा वट सावित्री व्रत अपनी माही के लिए। अब ये सत्यवान अपनी सावित्री के लिए व्रत रखेगा। इस सत्यवान को अगर यमराज के हाथों से भी अपनी सावित्री के प्राण वापस लाने पड़े तो लेकर आऊंगा। और जब तक मेरी माही उठ नहीं जाती ना, ना मैं अन्न का एक नवाला निगलूंगा और ना पानी की एक बूंद पीऊंगा। जोगी कितने चला गया? नीचे भी नहीं है। माही को अकेला छोड़ के जरूरी काम में गया होगा। ना पुलाऊं ना पुल्ले दूंगा खुद को। जिस कड़ी पता चल गया ना तुम में से कौन है, वो याद रखना, सीधा काट के रख दूंगा। अब ठीक हो ना? हाँ, तू राम कर। अब जोगी कितने माही? अब पता नहीं, अभी तो यही था। क्या हुआ? हाय रब्बा, कितने सैगलों के घर ना चला गया। गुस्से से भरा हुआ था। क्यों? तेरी ऐसी हालत देख के वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। तू राम कर, मैं देख के आती हूँ। रुकिए, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। अरे नहीं नहीं, ऐसी हालत में क्यों? तू रुक, ये रुकने का टाइम नहीं है। आप जोगी को अच्छे तरीके से जानते हो, गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि वो कोई बेवकूफी करे, हमें एक बार जाके देखना चाहिए। हाँ पर माही, ऐसी हालत में तू कैसे जाएगी?
मेरी बात सुन जोगी? नहीं जोगी, नहीं जोगी, नहीं। ये ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। जोगी प्लीज, जोगी प्लीज उनको छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली बार तुझ पे तरस खा के मैंने छोड़ दिया था, पर इस बार रब भी सामने आ गया ना तो भी नहीं छोड़ूंगा। तू किसे सजा देना चाहता है, जिस पे तुझे शक है या जिसने वाकई में तेरी माई पे गोली चलाई है? क्योंकि दोनों बातों में फर्क है। तुझे मुझ पे और चंदा पे शक है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि माही पे गोली उसकी दोनों बहनों में से किसी एक ने चलाई है। ये तो शालू ने या रेनू ने, ओ? यकीन नहीं हो रहा तुझे? हाँ बात ही कुछ ऐसी है। जोगी मेरी बात सुन, मेरे फोन में सबूत है, प्लीज जाके देख ले प्लीज। माही, तो इस हालत में यहाँ क्यों आई? और ये सब क्या है? माही, तू गोली खाने के बाद भी जल रही है? कोई ना, ऐसी बहनों के रहते हुए ना तू ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। देख माही, हमने तो अपना काम कर दिया, बता दिया तुझे कि तुझ पे गोली किसने चलाई थी, या तो रेनू या फिर शालू। अब तू अपना काम कर, पुलिस को बुला और वो पुलिस ही ना सब सच उकलवा लेगी। कॉल कर माही पुलिस को अभी।